हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलकानिया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये टूर बैग शेयर कर रही हूँ। ये राउंड शेप में है ये बैग, और इसके दोनों साइड एक एक पॉकेट है, और बीच में भी इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। और इसको आप जिम वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने टूर ट्रैवलिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया है। इसको बड़ा छोटे साइज़ में जैसे आपको आपका मन हो वैसे आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं इसको कैसे बनाना है। टूर बैग के लिए फ्रेंड्स मैंने ये लिया है, ये कपड़ा है, और इसको मैंने क्विल्ट कर लिया है फ्रेंड्स। इसको इसके बीच में मैंने एक स्पंज का पीस डाला है, और एक हमारा ये मेन कपड़ा है, और नीचे है लाइनिंग का कपड़ा। तो इसको मैंने ये देखिए इस तरीके से क्विल्ट कर लिया है। और ये मैंने लिया है, इसकी इसकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ है 32 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से विड्थ है वो है 18 इंच। तो ये मैंने इसी हिसाब से लिया है। ये राउंड शेप का बैग है, तो इसके लिए मैंने ये प्लेट ली है। इसका मैं इसको राउंड दूंगी, और इसके जो हमारी साइड हैं उसके लिए मैंने ये स्क्वायर पीस किए हैं। 11x11 के स्क्वायर पीस हैं ये, तो इनको इनको भी मैंने क्विल्ट किया है। देखिए, इसको भी क्विल्ट कर लिया है मैंने। और आप चाहें तो इसमें रबर शीट भी डाल सकते हैं और बुकरम भी डाल सकते हैं, लेकिन बुकरम जो है वो धोने के बाद थोड़ा अलग सी हो जाती है, तो अगर आप स्पॉन्ज ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये बैग जो है इसको हम जिम वगैरह में भी ले जा सकते हैं, और थोड़े छोटा ही है तो कहीं टूर पे इधर उधर आसपास जाना हो, थोड़ा सा सामान रखना हो तो इसमें आ जाता है। और ये इसमें आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। तो आप जो ये राउंड है, आप बड़ी जो भी आपके पास कोई प्लेट हो या कोई भी राउंड पीस हो, बड़ा आपके पास कोई भी गोल चीज़ हो, आप वो ले लें। और अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ आप ले लें। मैंने थोड़ा मीडियम सा ही लिया है ये। तो फ्रेंड्स, ये इसमें ये 18 इंच की मैंने जिप ली है इसके यहाँ पे लगाने के लिए, और ये जो है वो 11 इंच की दो जिप ली हैं, क्योंकि ये हम दो जो हैं वो पॉकेट रख रहे हैं इसमें। जो ये वाले पीस हैं, दो पीस मैंने बनाए हैं, इनको इनकी पॉकेट रख रहे हैं। तो इनमें क्या करना है कि इसमें हम एक बराबर यहाँ से ले लेंगे, एक साइड से हम एक बराबर ले लेंगे। इससे 3 इंच ले लिया मैंने, 3.5 इंच ले लिया यहाँ पर, तो इस साइड से भी 3.5 इंच ले लिया, और इस साइड से भी 3.5 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और दोनों पीस को ही हम यहाँ से अलग कर देंगे, और यहाँ पे हम जिप को है बीच में इंसर्ट कर देंगे। इस जगह पे यहाँ पर जिप को इंसर्ट कर देंगे दोनों पीस में इस तरीके से, और उसके बाद फिर हम इसका राउंड काटेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जिप लगा दी है मैंने इसमें, और 4 हमें रनर चाहिए, 2 पॉकेट के लिए चाहिए, और 2 मेन बैग के लिए चाहिए, और ये 2 लाइनिंग के पीस हैं इसके साथ। जो पॉकेट हैं हमारी, ये जो पॉकेट हैं इनके साथ ये 2 लाइनिंग के पीस हैं, जिनको हम बैग जोड़ते टाइम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये जिप हमारी लग गई है। अब हम इसमें रनर डालेंगे, और उसके बाद हम इनको इस तरीके से प्लेट के नाप का इनको कट करेंगे। जितना हमारा प्लेट का ये है साइज़ है, उसके हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। क्योंकि प्लेट का साइज़ 10 इंच है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि राउंड शेप देने के लिए, और इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखेंगे, जिसमें हमारी स्टिचिंग का इसमें आएगा। और जो हमारा मेन ये कपड़ा है, मेन पल्ला है इसका बैग का, उसमें भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, जो जिप में हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसको कट कर लिया है, राउंड शेप में काट लिया है। अब हमने जो ये लाइनिंग का पीस लिया है, इसके ऊपर अब हम इसको रखेंगे, और इसको चारों तरफ से इसको सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा जुड़ गया, लाइनिंग भी इसके पॉकेट के साथ पीछे जुड़ गई है। अब हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको भी हमने कट कर लेना है चारों तरफ से इसको, और दूसरी पॉकेट को भी इसी तरीके से हमने ज्वाइंट कर लेना है।
अब फ्रेंड्स जो हमने इसमें ये बेल्ट ली है इसको अब हम लगाएंगे, जो हमारा मेन पल्ला है बैग का उसमें, क्योंकि हमारी पॉकेट जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये हमारा मेन पल्ला है, इसको आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें हमने फ्रेंड्स क्या करना है कि यहाँ से हमने ऊपर से हमने इधर से हमने 4 इंच लेना है, यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाना है ऐसे करके, और इस तरफ से भी हमने, इस साइड से भी हमने इस तरफ को 4 इंच लेना है, इस साइड से इस साइड को 4 इंच लेना है। तो ये यहाँ पर 4 इंच पे, 4 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स इसी तरह करना है, इस साइड भी हमने यहाँ से भी 4 इंच लेना है और इस तरफ से भी हमने 4 इंच लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने निशान लगा दिया 4 पे, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरी साइड है हमारी, सेम हमने इस तरफ भी ऐसे ही करना है और इसको, इस बेल्ट को हमने, ये बेल्ट मैंने 52 इंच सिंगल ली है और दोनों तरफ से डबल हो जाएगी, फिर 52 52 कर ली है मैंने ये। तो इसका यहाँ पे सेंटर करेंगे हम, बैग का जो हमारा सेंटर है उसको कर लेंगे। उसके बाद हमने ये बैग का सेंटर ले लिया और सेंटर में ही हम एक निशान लगा देंगे यहाँ पर, ये सेंटर पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। ये हमारा 16 इंच पे है, 32 इंच है हमारा बैग, तो हमने 16 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। ये यहाँ पे ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमने यहाँ पे भी सेंटर में, सेंटर के पास भी इस साइड से हमने 4 इंच लेना है, 4 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगा देना है और इस साइड को भी सेंटर पे भी 4 इंच पे निशान लगा देना है। अब ये यहाँ से हमारा ऊपर से भी हमारा नीचे यहाँ तक 4 इंच 4 इंच ऐसे आ गया ये बराबर, और यहाँ से भी दोनों तरफ से ये इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, इसके जो हमारा ये वाला साइड है यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरीके से करना है कि ऊपर से भी हमने 4 इंच लेना है, ये 4 इंच पे निशान लगा दिया, और उसके बाद इस साइड से भी 4 इंच लेना है और सेम यहाँ से भी 4 इंच ले लिया और इस साइड से भी 4 इंच ले लिया। तो ये हमारा हो गया बेल्ट का निशान, और ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके अब ये लग गया हमारा सारा जो है बेल्ट के लिए निशान लग गया। तो फ्रेंड्स हमने इसको अब इस तरीके से करना है कि जो हमारा ये यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होती है बेल्ट की, इसको हम सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखते हुए यहाँ पर पिन कर लेंगे, एक यहाँ पे सेंटर में मैंने पिन लगा दी है, और उसके बाद जहाँ तक हमने इसको सिलना है वहाँ तक हमने इसको ये इस तरीके से यहाँ भी पिन लगा दी है। तो हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद सेम फ्रेंड्स इस तरीके से इस साइड भी इसको हम ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर दोनों साइड एक बराबर कर लेंगे 52 52 इंच, और इनको यहाँ पर भी पिन कर देंगे, यहाँ पर भी पिन कर देंगे, और यहाँ आगे भी पिन कर देंगे, और उस साइड भी। फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे एक साइड से दूसरी तरफ, इस साइड से दोनों तरफ अच्छी तरह से इसको फिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे 3 4 सिलाइयाँ यहाँ पे लगा देंगे ताकि हमारा ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ये निशान लगाए हैं, फिर उसके बाद मैंने इसको जो बेल्ट है हमारी उसको एक बराबर दोनों तरफ करते हुए, इसका पहले हमने सेंटर कर लिया और सेंटर से हमने इसको
बिल्कुल एक बराबर करते हुए इसको अच्छी तरह से यहाँ तक ऊपर तक इसको पिन कर लिया, यहाँ तक पिन कर लिया। अब पहले एक साइड पे सिलाई लगाएंगे, एक साइड से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ लगाएंगे। अब फ्रेंड्स हमारी ये बेल्ट जो है वो जुड़ गई है और ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें जिप लगाएंगे, जो हमने जिप रखी है उसको अब हम लगाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। यहाँ पर अब हम जिप जो है वो लगाएंगे। ये फ्रेंड्स एक साइड से लग चुकी है, अब ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी लगाएंगे। इस तरीके से दूसरी साइड से भी हम जिप को इसमें इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद फिर इसमें हम रनर डालेंगे। अब फ्रेंड्स से जिप हमारी लग गई है इसमें, इसमें मैंने प्रेस स्टिच भी लगा दी है और दूसरी सिंपल सिलाई भी, दोनों से अच्छे से फिक्स हो चुकी है। तो इसमें अब हम मैं रनर डाल देती हूँ और उसके बाद हम बैग को ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। इसमें हम दो रनर डालेंगे, एक इस तरफ से डालेंगे और एक इस तरफ से डालेंगे। दो रनर बहुत सही रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बैग है, कभी रनर बाई चांस एक ख़राब हो जाए तो दूसरा काम करता है और हमें कहीं ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए दो रनर डालने चाहिए। अब फ्रेंड्स हमने इसको बैग को उल्टा करना है। और इसको हमने जोड़ना शुरू करना है। तो इसका जो सेंटर है वो तो यहाँ पे जिप का सेंटर आ जाता है, जो ये बैग का सेंटर है जिप का आ जाता है यहाँ से। लेकिन जो ये वाले हमारे राउंड बनाए हैं हमने साइड पे जो हैं, तो इनमें हमने जो इसका ऊपर वाला किनारा है जो जिप के ऊपर ये अपर साइड को आएगा, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे डबल पकड़ना है और इस तरीके से इसका सेंटर लेना है। जिप को भी आपस में बराबर रखना है, इस तरीके से सेंटर लेना है और यहाँ पे निशान लगा देना है। यहाँ पर हमने निशान लगा देना है, नहीं तो कैंची से हल्का सा यहाँ पे कट लगा देना है। इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद हमने इसको, ये फ्रेंड्स इसका जो सीधा साइड है वो उसको अंदर को करना है ऐसे पकड़ के, और यहाँ पर एक पिन कर देना है इसको सेंटर लेके, इसका यहाँ पर इसको पिन से फिक्स कर देना है। इस तरीके से पिन कर देना है यहाँ से, ताकि ये हिले ना इस तरह से। और ऐसे ही इसको दो तीन जगह से और पिन से ऐसे अच्छे से फिक्स कर लेना है, ताकि हमारा ये बैग जो है वो बिल्कुल बराबर आए। इस तरीके से हमने इसको चारों तरफ पे ऐसे राउंड में सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स। इस तरीके से जो हमारा ये राउंड है इसको हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, जो इसका कॉर्नर है फ्रेंड्स। एक निशान हमने यहाँ पर भी लगाना है, जो हमारा ये बैग का पल्ला है इसका भी हम सेंटर लेंगे। एक तो हमारा जिप का सेंटर आ जाता है, दूसरा जो नीचे की साइड यहाँ पे होगा दूसरी तरफ, वहाँ भी हम एक इस तरीके से यहाँ पे एक कट लगा देंगे। और जो हमारा ये पॉकेट वाला जो हमारा किनारा है साइड, इसकी जो साइड है बैग की, उसमें भी यहाँ पे एक यहाँ पे टक लगा देंगे। तो इसको हम इन दोनों को आपस में यहाँ पे इसका भी सेंटर लेंगे और इसका भी इस तरीके से यहाँ पे एक पिन लगा देंगे, ताकि ये हिले ना और यहाँ पे हमारा बिल्कुल बैग का जो हमारा जोड़ है वो बिल्कुल सही आए। इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से करें, क्योंकि ये राउंड है तो राउंड किसी भी साइड को घूम सकता है सिलते हुए, इसलिए यहाँ पर पिन ज़रूर करें तो हमारा ये हिलेगा नहीं और बैग का जो बैग की जो शेप है वो बिल्कुल सही आएगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से हमारा बैग जो है वो बिल्कुल जुड़ गया है और ये बिल्कुल बराबर आया है। इसको क्योंकि पिन से अच्छे से फिक्स कर लेंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा, इधर उधर नहीं फिसलेगा और बिल्कुल इसका सेंटर आएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी, इसको दूसरी साइड वाला जो हमारा ये किनारा खुला है इसका जो दूसरा पीस है उसको भी हम इसी तरीके से दोनों तरफ का सेंटर लेंगे और इस बैग का भी दोनों तरफ का सेंटर लेंगे और उनको आपस में पिन करेंगे और उनको सिलाई लगा देंगे, तो हमारा बैग जो है बिल्कुल सही आएगा। अभी लीजिए फ्रेंड, दोनों तरफ से हमारा बैग जो है वो जुड़ गया, इधर से भी जुड़ गया और इधर से भी जुड़ गया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अभी लीजिए फ्रेंड, सीधा कर दिया मैंने बैग और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा बैग जो है वो ये शेप आ गई है इसकी, बहुत अच्छे से ये जुड़ गया है। दोनों तरफ हमारी पॉकेट आ गई, इस साइड भी आ गई और इस साइड भी आ गई, ये देखिए इस तरफ भी आ गई, दोनों तरफ पॉकेट आ गई और बीच में से इसमें इनफ स्पेस है, ये देखिए।
अब ये जो हमारी ये सिलाई है फ्रेंड्स, इसको मैंने और भी वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से इसको कवर करना है, तो इसको मैं एक पट्टी लेके, कपड़े की पट्टी लेके मैं इसको अंदर से कवर कर दूंगी और ये बहुत ही साफ़ सुथरा सा सुंदर बैग बन जाएगा हमारा और भी, तो इसको मैं बाद में कवर कर लूँगी। और ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये बन गया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपका मेज़रमेंट हो, आपका बहुत इजी वे है कि जैसे मैंने इस प्लेट का मेज़रमेंट लिया है तो आपको इसको ही नाप लेना है अच्छे से। जो हमारा ये सेंटर वाला हम कपड़ा लेते हैं बैग का, जो हमने ये वाला पीस लिया है, ये पीस लिया है फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी चौड़ा लंबा आपको रखना हो और बड़ा करना हो, बड़े साइज़ में करना हो, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ये वाली मेज़रमेंट है पूरी, इसकी राउंड है, वो आप जो भी आपका हो उसका आप राउंड ले लीजिए और उसका 1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए और उसके हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और बहुत ईजी वे है, उसी तरीके से अपनी ये पॉकेट भी आप बना सकते हैं। इसका सेंटर लेंगे और उसमें एक से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरफ को, जैसे इस तरीके से हम सेंटर लेंगे, ये इस तरीके से लेंगे। 9:30 है तो इसमें 9 1/2 है तो इसमें 10 1/2 हम ले लेंगे कपड़ा स्क्वेयर पीस में, और स्क्वेयर पीस का इसका पीस बना लेंगे और उसको ही हम बाद में अपनी पॉकेट जोड़ने के बाद, जिप लगाने के बाद, उसके बाद इसको जो भी आपका मेज़रमेंट हो उसके साथ आप इसको कट कर लें राउंड शेप में, तो आपका बैग जो है बहुत ईजिली बन जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी ही। थैंक यू।